कैसी है? अच्छी। ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ऑफिस से आकर जूते सूरख में ही रखना, यहीं उतार के इधर उधर मत फेंकना। हाँ, तुम भी खाना बनाना सीख लेना, क्योंकि हर कोई मेरे तरह कच्चा खाना खाके तुम्हें अच्छी कंप्लीमेंट नहीं देगा। तुम भी गुस्सा थोड़ा कम करना, हर कोई इग्नोर नहीं करेगा जैसे मैं करती थी। तुम बहुत जीतती हो, अब जीत करना कम कर देना, और शॉपिंग भी। बहुत जीती थी मैं शौर्या, लेकिन आज सारे जीत नहीं छोड़कर जा रही हूँ, मेरी हर जीत पूरी करने वाले के पास। क्या सोच रहे हो दीसे अपने बारे में? हमसे की तरह है ना? ना तुम पहले कभी मुझे समझे थे, ना ही आज, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, आज मैं नाराज भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह हक भी खत्म होता है। अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा है, अभी भी थोड़ा सा हक बचा है तुम्हारा। अच्छा, तो सुनो, हमेशा टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना, मेडिसिन और खाने के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझे? और कपड़े धोबी को ही देना, क्योंकि तुम्हें तो कपड़े धोने भी नहीं आते। घर साफ रखना, कपड़े और सामान जगह पर रखना, और कुछ बोलो, चुप क्यों हो गई? क्योंकि अब टाइम हो गया है, कोर्ट चले, डिवोर्स की पेपर रेडी हो गई, चलकर साइन कर ले। पूछ रही हो या बता रही हो? पता नहीं, बस चलते हैं। आज मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे, शक हो रहा है तुम पे। आज पहली बार तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, वरना देखो आज तुम्हारे शक ने हमारे रिश्ते को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। आई एम सॉरी दिशा, एंड थैंक यू सो मच। ये दोनों किस लिए? पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी एक दो पल निकाल के बैठना और सोचना। अच्छा, मैंने अपना सारा सामान तो पैक कर लिया है, देख लो कहीं गलती से तुम्हारा कोई सामान तो नहीं रख लिया। सब तो लेकर जा रही हो दिशा, मेरे खुशियाँ, मेरे गुरूर, मेरे अभिमान, उनके आगे ये चीज क्या है? और कुछ कहना है? दिशा, मैं आज के बाद तुमसे मिलना नहीं चाहता। मैं जानता हूं ना तुम मुझे नफरत करते हो, ना मैं तुम्हें कभी नफरत कर पाऊंगा। तुम्हारी और मेरी पसंद हमेशा से अलग थी, इसलिए हम एक दूसरे के लिए गलत है ना? दिशा, मैं नहीं मानता हूं ये न्यू मॉडर्न लॉजिक को। दोस्ती प्यार हो सकती है, पर जिससे प्यार की हो उसे सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकती।
और बीते हुए कल में जो छूट गया वो हम थे, आने वाले कल में तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होंगे। खैर, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। आज से तुम और मैं हमेशा के लिए अलग हो जाते। तुम्हें क्या लगता है? सोच रही हूँ, पहली बार और आखिरी बार भी हम दोनों किसी बात पे एग्री कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे एग्री कर रही हो। कोई बात नहीं, एक आखिरी बार के लिए यकीन कर लो और चलो फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो चलो, जैसे पहले दिन इस घर में आए थे वैसे जी ले। शायद